चारे वहाँ भी तू भी क्या क्या पकता है, चारे वहाँ भी तू भी क्या क्या पकता है, पकता है पकता है। अरे पर कंजुल्ली मान बदले वाले का, पर कंजुल्ली मान बदले वाले। भाई साहब जमशेद अली कादरी बात कर रहा हूँ, आपका नाम? मोहम्मद इसहाक। मोहम्मद इसहाक, अभी आपने कॉल किया था तो मैं पूछना चाह रहा था भाई आप, आपका मतलब क्या है भाई? तुम्हें सलाम दो बार सलाम दिया, ठीक है? हाँ। तो सलाम का जवाब नहीं दिए। अच्छा आप बरेली हो क्या? मेरी बात सुनिए भैया, कह रहा हूँ अस्सलाम वालेकुम जो हम कहे सलाम दिए, तो ऐसे सलाम घर में दे सकता है क्या? नहीं मैं पूछ रहा हूँ कि मेरे तो जवाब दीजिए बोले, ऐसे सलाम घर में दे सकता है ऐसे सलाम? हाँ बिल्कुल कर सकता है। बिल्कुल नहीं कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। गैर मुस्लिम का सलाम में और मुस्लिम का सलाम में आसमान जमीन का फर्क है, कोई फर्क नहीं है। वो तलाफुज से सलाम दे देंगे? बिल्कुल, जामा मस्जिद में जाओ गैर मुस्लिम भी सलाम करता है, सलाम वालेकुम ऐसे ही करता है। जाओ जामा मस्जिद में हम गए हुए हैं, ठीक है? अच्छा वहाँ पे मैं चल रहा हूँ जामा मस्जिद इलाके में। कहाँ पे? पुरानी दिल्ली में। कहाँ पे किस जगह? दिल्ली आजाद मार्केट, आजादपुर मंडी, आजाद मार्केट। हाँ तो आजाद मार्केट कहाँ पे? पुरानी दिल्ली में। पुरानी दिल्ली में कहाँ पे आजाद मार्केट भाई? आजाद मार्केट जो है फतेहपुरी मस्जिद जो है, फतेहपुरी मस्जिद से 2 किलोमीटर पश्चिम, 2 किलोमीटर पश्चिम आजाद आजाद मार्केट है जहाँ पे परचून की दुकानें वगैरह हैं। हाँ अच्छा, तो वहाँ पे और यहाँ पे जामा मस्जिद पे फर्क नहीं है? क्या क्या फर्क है? फतेहपुर जामा मस्जिद से जामा मस्जिद और किशनगंज आजाद मार्केट, ये तो 2-4 किलोमीटर अंदर अंदर ही है सारा। चलो बैर क्या उसको छोड़ो, ये बताओ बरेलवी को क्या समझते हो आप? बरेलवी को एक इंसान समझता हूँ। इंसान बस? हाँ इंसान समझता हूँ, जानवर नहीं समझता हूँ। अच्छा इंसान तो समझते हो, तो मैं भी कह रहा हूँ तो इंसान समझते हो, मुसलमान समझते हो या क्या समझते हो? मुसलमान जो है सलाम का जवाब देते हैं, जब सलाम का जवाब नहीं देते तो मुसलमान कैसे समझेंगे उसको? अच्छा कुरान पढ़े हो? जी पढ़ा हूँ। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया जब ये मुनाफिक सलाम करे तो वस्सलामु अला मन इत्तबाल हुदा बोलो। अच्छा आप तो वही आती है क्या, आप कौन मुनाफिक है कौन मुस्लिम है कौन मोमिन है? अभी 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 साबित हो जाता है। अल्लाह के रसूल को इल्म गैब है? नहीं है। नहीं है ना, तो मुनाफिक हो तुम। नहीं है। क्या नहीं? कुरान से साबित, कुरान से साबित अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था। साबित करो, आयत पढ़ो। आयत पढ़ो। आयत तो तुम क्या कहते हो, इल्म गैब था नबी को? हाँ तो तुम आयत पढ़ो ना। मेरा तो पढ़ा हुआ है, तुम कहते हो इल्म गैब था तो तुमने सब करा होगा ना। तुमने अभी क्या दावा? मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी को बड़बड़ाओ नहीं, बड़बड़ाओ नहीं, मैं बड़बड़ाता नहीं हूँ, मैं आपको जवाब दे रहा हूँ। हाँ हाँ बड़बड़ाओ, तुमने मुझसे एक सवाल किया मुनाफिक को सलाम करना कैसा, मैंने आपको कुरान से आयत पढ़ दी, जवाब दे दिया। आपने कहा कि आपने कुरान में पढ़ा है कि अल्लाह के रसूल को इल्म गैब नहीं, तो आयत पढ़ दो फटाफट। मैं कह रहा हूँ नहीं है, ठीक है? अल्लाह के नबी को इल्म गैब नहीं था, समझे? आप कह रहे इल्म गैब था, जो चीज है उस चीज का दलील होता है। अच्छा जो चीज है उस चीज का दलील होता है। हाँ। जो चीज अच्छा मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे मिसाल के तौर पे कि आपके वालिद जहाज में नहीं बैठे, कह रहे हैं ना, आपके वालिद साहब जहाज में एरोप्लेन में नहीं बैठे, कभी भी नहीं बैठे, आप बैठ गए तो अपने वालिद की मुखालफत किया आपने? नहीं किया। नहीं किया। हाँ लेकिन अगर आपके वालिद ने ये कहा कि बेटा तुम सारी गाड़ियों में बैठना, सारी गाड़ियों में बैठना लेकिन कभी जहाज में मत बैठना,
फिर आप चाह कर बैठ गए तो अब अपने वालिद की मुखालफत हुई कि नहीं? हाँ, मैं उसके नसीहत में मान लूंगा, नहीं बैठूंगा। बिल्कुल, तो इसी तरीके से अल्लाह ने कहा फरमाया, नबी तुम इल्म गैब नहीं जानते, मैंने तुम्हें इल्म गैब नहीं दिया है, तो तुम तो अल्लाह की मुखालफत करो, अल्लाह ने तो कहीं कुरान में कहा? मैं तो कह रहा हूँ जो चीज है बोलते हैं, है का दलील लगेगा, नहीं है का दलील नहीं है। सुनो, कुरान कहता है नहीं है का दलील, मिसाल के तौर पर जमशेद कादरी भाई सुनो, कुरान के खिलाफ बात मत करो ना। अल्लाह तबारक व तआला कहता है कि जो अल्लाह पे झूठ बांधे, जो अल्लाह की आयतों पे झूठ बांधे, दलील उसके जिम्मे है, तुमने झूठ बांधा। मैंने क्या बोला? अगर मैं कह रहा हूँ कुल हाफू बुरहान अगर तुम सच्चे हो, दलील से बात करो, ठीक है? तो ये तो तुम्हारे ऊपर है ना, कुरान में तो ऐसा लिखा ही नहीं है, तुम दावा कर रहे हो। मैं तो कह रहा हूँ कुरान में तो है ही नहीं दलील। दे रहा हूँ दलील आपको। एक आयत पेश करो, मेरी बात सुनो पहले। एक आयत पेश करो कि अल्लाह के नबी को गैब जानते थे। अच्छा, गैब किसको कहते हैं? गैब की तारीफ करो। गैब की तारीफ, जैसे आपका ठिकाना मैं अभी बता नहीं सकता हूँ, आप अपना नाम बताए जमशेद कादरी, ठीक है? अगर आप कहो कि मेरा एड्रेस बताओ, इस चीज को गैब बोलते हैं, आप एड्रेस में बता नहीं सकता। ये ऐसी तारीफ किसने किया? किसने किया? गायब यही है। नहीं, कौन सी किताब से कर रहे हो? मैं कह रहा हूँ गायब यही है, आप बोलो एड्रेस बताओ। सुनो, आपकी एड्रेस मैं बता नहीं सकता, ये चीज गायब है, गायब बता ही नहीं सकते। तो आप सुनो, बोलो, कल को तुम ये बोलोगे कि मैं कह रहा हूँ दुनिया में अमेरिका मौजूद है, जबकि अमेरिका मौजूद है, तो तुम्हारे कहने से थोड़ी हो जाएगा। तो मुझे गैब की तारीफ कुरान हदीस से करके दो ना, या तो आयत पढ़ो। नजर जो चीज नजर से रुकूश है वो चीज गायब है, ठीक है? जो चीज नजर से रुकूश है वो चीज गायब है। हाँ, अच्छा, जिस चीज की देखने पर ना तारीफ, ये तमाम मुहद्दिसीन की तारीफ है। आया, चलो बताओ किताब का नाम बताओ। किताब का नाम बताओ ना, कौन से? पहले ये बताओ, आपका मसलक क्या है? आपका मसलक क्या? मसलक देवबंदी हो? मैं मुस्लिम हूँ, देवबंद कोई मुस्लिम का नाम नहीं है। नहीं तो कौन हो? मुस्लिम हूँ, कुरान कहता है वो समय को मुस्लिम, ठीक है? मैं मुस्लिम हूँ। सुनो, मुस्लिम तो हो लेकिन कौन हो? देवबंदी हो, वहाबी? देवन जो है शहर का नाम है, बरेली शहर का नाम है, इसे इस्लाम से कोई नाता नहीं है इसका। अच्छा, ये होता अशरफ अली थानवी मुसलमान है काफिर? उसके बारे में मैं फतवा नहीं दे सकता, उसको मैं देखा, उसके बारे में जानता नहीं हूँ, उसको मैं ना देखा हूँ ना सब, मैं उसको जानता हूँ ना उससे व्यवहार कर, मैं उससे वाकिफ हूँ, उसको मैं कुछ नहीं, एक इंसान मानता हूँ उसको भी। अच्छा, अबू जहल मुसलमान है काफिर? कोई एक इंसान है अबू जहल मुसलमान है काफिर? अबू जहल का काफिर है। अच्छा, ये कहाँ पढ़ा तुमने? अल्लाह के नबी की हदीस है। अच्छा, वो काफिर क्यों हुआ? अल्लाह के नबी को ठुकराया। अच्छा, तो आप ये अल्लाह के आकाम को ठुकराया। अच्छा, तो ये बताओ कि अशरफ अली थानवी ने क्या किया? मैं कह रहा हूँ अबू जहल के बारे में आपने पूछा। नहीं, मैंने दोनों के बारे में मैंने आपको जवाब दिया। मैं कह रहा हूँ उसके बारे में तारीफ नहीं है। सुनो जमशेद भाई, मेरे बात सुनो, उसके बारे में तारीफ नहीं है। मैंने बोला कि अबू जहल की तहकीक तुमने कर ली जी, अशरफ अली थानवी की तहकीक की कि नहीं? अगर अशरफ अली थानवी की मैं तहकीक करना तो क्या मुस्लिम से खारिज हो जाऊंगा? नहीं, तो गुस्ताखे रसूल, तो फिर ये अबू जहल की तहकीक कैसे कर ली तुमने? मेरी बात का जवाब दे दीजिए, अगर अशरफ अली थानवी का मैं तहकीक अगर ना करूँ तो क्या मुस्लिम दायरे से बाहर हूँ? अगर अशरफ अली थानवी की तुमने तहकीक नहीं की और अशरफ अली के थानवी के मानने वाले के पीछे नमाज पढ़ी तो तुम्हारी नमाज हो जाएगी? देखिए, अगर कोई जवाब दे, देखिए दिखाइए, मैंने बोला आपको मैं जवाब दे रहा हूँ।
आपके मैं जवाब दे रहा हूँ, अगर अष्टपति थाने का मानने वाला इंसान होगा, कोई मूल्य मुक्ति होगा, और उससे उससे मैं इस चीज का वक्त नहीं हूँ कि ये देवंदी है या है अष्टपति थाने को मानने वाला है, लेकिन उसको सामने से देखा कि कुरान अच्छा पढ़ता है, मेरे से सलाम कलाम अच्छे से किया है, और उसे इत्तेफाक अगर उसके अंदर इल्मी सलाहियत में देख रहा हूँ, जिसमें इल्मी सलाहियत भी उसके अंदर है, ठीक है, तो उसी को मैं नमाज पढ़ने का मैं इजाजत दूंगा। नमाज पढ़ाइए, नमाज पढ़ाइए। तो एक बात बताओ कि एक अच्छी किरत करने वाला, कुरान पढ़ने वाला कादियानी है ना, और आपको सलाम भी किया उसने, तो उसके पीछे भी नमाज पढ़ लोगे? देखिए उससे अकीदा मालूम करूंगा अभी। अच्छा, तो इसका अकीदा नहीं मालूम करोगे? हाँ करूंगा। तो अभी तो तुमने मुझे उधर घुमा रहे हो, सुनो ना भाई सुनो, अभी तुम अपना डोटा खुद इधर से उधर घुमा रहे हो, तुम्हें ये नहीं पता है मुझे जाना कहाँ है, मेरी मंजिल क्या है, मेरा इमाम कौन किसको बनाना चाहिए, मुझे किसके पीछे नमाज पढ़नी चाहिए, अभी तुम इसी के अंदर घूम रहे हो और तुम उंगली उठा रहे हो हुजूर के इल्मे गैब पे, जब तुमको अपना और छोर नहीं मालूम है, तुम सीधा हुजूर के इल्मे गैब पे, जबकि कुरान सूरह जिन में कहता है कि बेशक गैब का जानने वाला अल्लाह ही है, लेकिन चुन लेता अपने पसंदीदा रसूलों को जिनको इल्म का गैब का इल्म देता है, और तुम कह रहे हो कुरान में मिला ही नहीं तुमको, कुरान में सूरह अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है नबी हमने आपको सब कुछ सिखा दिया जो आप ना जानते थे। अब मुझे एक बात बता, कुरान के, हाँ मुंह बनकर ये बता, कुरान में हर एक चीज का इल्म है? बेशक, जमीन के नीचे का, जमीन के ऊपर का, आसमान का, हर एक चीज का इल्म है, जर्रा जर्रे का इल्म है कुरान में, और हदीस में दोनों चीज लेकर चलना पड़ेगा, सिर्फ कुरान में चलिएगा आप गुमराह हो जाओगे। अच्छा गुमराह हो जाओगे, तो कुरान में मतलब अधूरा इल्म है? अल्लाह के नबी की हदीस को लेकर कुरान मुकम्मल है। नहीं तो मतलब कुरान, सिर्फ कुरान के अंदर जो इल्म है उसमें अधूरा इल्म है, कुरान में पूरा इल्म नहीं है। मैं क्या कह रहा हूँ, अल्लाह के नबी की हदीस और अल्लाह का फरमान कुरान, ये दोनों मिलकर दिन मुकम्मल हो सकता है, ओनली कुरान से, हाँ ओनली कुरान से दिन मुकम्मल नहीं हो सकता। अच्छा, यहाँ दीन की बात नहीं आ रही बाबू, हर एक चीज का इल्म पूछ रहा हूँ मैं, यही तो मैं कह रहा हूँ, दीन की बात जो है, आप जो कहें जो कुरान इलम है बोल रहे हैं ना, मैं अभी नहीं समझता हूँ, लेकिन अल्लाह जो अल्लाह के जो कुरान भी वही आया है अल्लाह के नबी के पास, और हदीस नबी के पास वही आया है, ठीक है। चलो तुमने तो मेरा मसला हल कर दिया, मैं यही तुम्हारे मुंह से बार बार इसीलिए उगलवा रहा था, तुमने मेरा मसला हल कर दिया। अब सुनिए मेरी बात कि कुरान और हदीस में हर एक चीज का इल्म है, बेशक कोई चीज ऐसी है जिसका इल्म कुरान और हदीस में ना हो? दिल में कोई चीज बाकी नहीं रहा। ठीक है, तो हदीस क्या है? अल्लाह के नबी का फरमान है। फरमान है, तो अब हदीस तो अल्लाह के नबी का फरमान है, और कुरान क्या है? अल्लाह का फरमान है, ठीक है। अच्छा, तो कुरान जैसे मिसाल के तौर पे आपको आपके उस्ताद ने अगर कुरान सिखाया तो अपने इल्म के मुताबिक सिखाया होगा ना? हाँ, और अल्लाह ने जिसको कुरान सिखाया होगा तो कैसा सिखाया होगा? वो भी अपनी जरूरत के मुताबिक सिखाया होगा। हाँ, तो अल्लाह से बड़ा कोई आलिमुल गैब है? कोई नहीं है। हाँ, तो सूरह रहमान नहीं पढ़ा? रहमान अल्लामल कुरान खलकल इंसान, अल्लाह ने कुरान सिखाया अपने हबीब को, तब बचा क्या? कुछ नहीं बचा है, कुछ नहीं बचा। अब हदीस में आ जाओ, अल्लाह के रसूल अरकान बुखारी शरीफ की हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु से मरवी है। अब सुनिए, अल्लाह तबारक व तआला का जो इल्म है ना वो अताई है, अल्लाह का जाती है, तो अल्लाह तबारक व तआला ने मा काना वमा यकून का इल्म अपने हबीब को सिखाया, ये कुरान हदीस से साबित है। मा काना वमा यकून किसको कहते हैं मालूम है? बताइए। ये भी नहीं मालूम है तुम्हें? आप बता दो। मा काना जो हो चुका, वमा यकून जो होगा, ठीक ठीक। अब आइए, हजरत उमर रजी अल्लाह तआला ने इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजर की नमाज पढ़ाई, मिंबर पे जलवा फरोज हुए, वाज किया, जोहर का वक्त हो गया, फिर जोहर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे जलवा फरोज हुए, फिर वाज किया, फिर असर का टाइम हो गया, असर की नमाज पढ़ाई, फिर मिंबर पे खड़े हुए, फिर जलवा फरोज हुए, फिर वाज किया, फिर मगरिब का वक्त हो गया, यहाँ तक के दिन छुप गया, ईशा का वक्त हो गया, और उस बीच में जो जो दुनिया से पहले हो चुका और जो जो होगा जन्नतियों के जन्नत में जाने तक, दोजखियों में दोजख के जाने तक,
हुजूर ने वो सब कुछ हमको बता दिया, जिसने इस हदीस को याद रखा जो भूल गया वो भूल गया। बताइए और आगे बताइए, मैं जवाब देता हूँ आपको। नहीं, इसका जवाब दो पहले मुझे। अब बचा क्या, माँ का ना वो माँ इस हदीस पे साबित नहीं हुआ, और जो कुछ है नबी तुम नबी तुम जो कुछ ना जानते थे हमने तुम्हें सब कुछ बता दिया, और रहमान अल्लमल कुरान, अल्लाह तबारक व तआला ने अपने हबीब को कुरान सिखा दिया। अब हदीस और कुरान से पूरा मुकम्मल ये साबित हुआ कि हुजूर मा काना वमा यकून का इल्म जानते हैं, और जो ये कहे कि नहीं जानते हैं तो अब दलील उसके जिम्मे है, वो लाके मुझे कोई आयत दे या हदीस दे कि जिसमें अल्लाह ने फरमाया हो ए नबी हमने तुम्हें इल्म का गैब नहीं दिया, तुम नहीं जानते, या किसी सहाबी ने ये कहा हो कि ए नबी आप मा काना वमा यकून ये कुरान है, क्या मा काना वमा यकून ये कुरान है? नहीं, बताइए। नहीं नहीं, हदीस है। हदीस है तो जब अल्लाह के नबी फजर की नमाज पढ़ रहे थे, ठीक है, एक दिन तो पीछे कुछ मुक्तदी जो है किराद भी कर रहे थे फातिहा के अलावा, ठीक है, तो नबी को तकरार मालूम हुआ, बुखारी मुस्लिम दोनों की हदीस है, बुखारी की भी मेरे पास किताब नहीं है अभी, वही तुम्हें बोल रहा हूँ, पढ़ो, वही बात है, मैं कह रहा हूँ मेरे पास किताब नहीं है अभी फिलहाल। अरे तो पढ़ो हदीस तो पढ़ो यार, क्या हदीस का मैं हाफिज हूँ क्या? अरे भैया जो पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो, अरबी में थोड़ी पढ़ने के लिए तुम्हें कह रहा हूँ, उर्दू पढ़ो, वही तो मैं कह रहा हूँ पढ़ो। अल्लाह के नबी ने पूछा कि तुम लोग ने कुरान पे पढ़ता है क्या? एक सहाबी ने बताया कि हाँ मैंने पढ़ा, तो जब अल्लाह के नबी को गैर मालूम भी था तो तुम लोगों ने कोई कुरान पढ़ा, ये बात क्यों पूछा? अच्छा, तो ये बात किस साहबी ने कही थी कि ऐ नबी तुम्हें गैब नहीं पता था, तुमने पूछ लिया? किसी साहबा ने कही ये बात जो तुमने बोली है? मैं कह रहा हूँ तुम्हारे अल्लाह के नबी को जब होगा बताओ, मेरी बात समझो, मेरी बात समझो, अल्लाह के मालूम होता है यहाँ से, तो कहते भी उंगली उठा दिया यहाँ से, तो अल्लाह के कुरान के मैं कुरान के मुताबिक बात कर रहा हूँ, मुझे नहीं बताया कुरान के मुताबिक, तो मैं बताऊंगा ना अभी कि तुमने अल्लाह को आलिमुल गैब, आप बिल्कुल बाहर हैं, आप बिल्कुल बाहर में हैं क्या? अब कुरान से बाहर हो? मैं बाहर हूँ, चलो ठीक है, एक बात बताओ, सुनो यहाँ पे अगर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से ये पूछ लिया कि तुम कुरान कौन पढ़ रहा था, तो तुमने ये अपने तरफ से अकीदा बना लिया कि हुजूर इल्मे गैब नहीं जानते, ठीक है ना? तो अब कुरान में अल्लाह तबारक व तआला ने मूसा अलैहि सलाम से ये पूछ लिया है, मूसा तेरे हाथ में क्या है, तो मूसा अलैहि सलाम ने बोला लकड़ी, तो यहाँ तो अल्लाह को भी नहीं मालूम कि लकड़ी है, तो ये भी अल्लाह को इल्मे गैब नहीं है फिर? अल्लाह को हाथ में मालूम है, नहीं तो ये कुरान में तो कह रहा अल्लाह की मूसा तेरे हाथ में क्या है, अल्लाह एग्जाम देता है, इम्तिहान देता है। अच्छा, तो अल्लाह के रसूल एग्जाम नहीं ले सकते? अल्लाह का रसूल, हाँ नहीं, ये अपने अल्लाह के नबी को सुनो, अब भागना बनाए हुए, एक कट टू कट सुनो, कट टू कट आयत या कट टू कट हदीस मुझे दो कि जिसमें सहाबा ने फरमाया कि अल्लाह के रसूल आप इल्मे गैब नहीं जानते, अल्लाह ने आपको इल्मे गैब नहीं दिया, जैसे तू भौंक रहा है ना वैसे मुझे एक कट टू कट हदीस दे। वही बात आप मैं जवाब नहीं दे सके ना, मैं कह रहा हूँ अगर यही इलम होता तो अल्लाह के नबी बिल्कुल डायरेक्ट जो कहा था उसी को पूछ लेते, तुमने अच्छा की कुरान में करना है। अब मैं देख तेरे को ये भी साबित कर रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल जब दुनिया में नहीं भी आए थे ना तब भी अल्लाह के रसूल सब जानते थे, अब सुन कुरान की आयत, ठीक है, सबसे पहले मैं तेरे को छोटी आयत देता हूँ जो तेरे दिमाग में घुस जाएगी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अलम तरा कई कफाल रब्बुका भी असादिल फील, ऐ नबी तुमने नहीं देखा हमने हाथी वालों के साथ किया था, तो नबी दुनिया में आ गए थे,
देखिए मंतकी मत हो गया, मंत्री क्या बता रहा मैं ये भाई आयत पढ़ा हूँ बेवकूफ। अरे नबी क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? तो हाथी वालों के साथ जो किया, जब सुनो जब अल्लाह ने अबाबील से ऊपर से पत्थर फिंकवाए लश्कर पे, तो हुजूर तो दुनिया में तशरीफ नहीं थे, तो फिर भी अल्लाह के अल्लाह ने क्या फरमाया नबी क्या तुमने नहीं देखा कि हमने हाथी वालों के साथ क्या किया? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कुरान सिखाया तो कुरान में मौजूद है जवाबी जो है शंकर थे का, ठीक है कुरान में। अच्छा वही वही बात अल्लाह ने भी सुनाया कि दोनों देखो कुरान नहीं देखे कुरान की तफसीर किसने की है? ये जो तूने मंतिक अपनी लगाई है तफसीर किसने की? मंतिक नहीं है, कुरान की दलील है कि अबाबिल जो है किसने बोला? ये तेरे अलावा किसने बोला? ये कौन से मुहद्दिस ने बोला बता? ये जो तूने अपनी मंतिक लगाई है कि कुरान से मैं कह रहा हूँ, मैं तू क्या बोल रहे तुझे क्या औकात है? मैं कह रहा हूँ कल को तू तुम्हारी क्या औकात है? तो हम दो बात इस्तेमाल करेंगे क्या? तेरा तेरे बोलने से क्या होता? मैं तेरे दलील दे रहा हूँ, दलील मांग रहा हूँ। आपको मत घुमाओ, बाप को मत घुमाओ, तू सामने आपको मत घुमाओ। तूने आले इमरान में अल्लाह तबारक मताला एक शरण फरमाया है, जूता जूता मैं ही मारता समझे? हाँ सुन सुन, जूता मारता मैं भी नहीं छोड़ता, जूता मैं ही मारता। दबा दब जूते पड़ रहे तेरे अंदर, देवबंदी है ना तू, देव का बंदर है ना तू? मैं देव का बंदर हूँ ना, दिल्ली का बंदर हूँ समझे? नहीं तू देव का बंदर है, मुझे पता है अशरफ अली खान भी तेरा बाप है। मैं कह रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ बता अल्लाह है भाई, शहर का नाम है बरेली, शहर का नाम है बरेली के बंदर हूँ। तुम बंदर हो बरेली का, तुम बंदर हो देवबंदी का समझे? ये बता देव का बंदर मैं नहीं तुम हो। अच्छा ये बता देव का बरेली का बंदर तुम ही हो। ये बता अल्लाह गैब, अल्लाह गैब है या जाहिर है? अल्लाह अल्लाह गैब है या नहीं? अल्लाह गैब है तो अल्लाह गैब है तो किस रसूल ने अल्लाह को देखा? अल्लाह के रसूल ने किस रसूल ने देखा अल्लाह को? नहीं किसने देखा अल्लाह के रसूल को? किसी ने देखा अल्लाह के रसूल को? अभी हमें सब कोई नहीं देखा। अल्लाह को किसने देखा? मैं कह रहा हूँ अभी के प्रेजेंट है, मैंने अल्लाह को कोई देखा ना नबी को कोई देखा। अबे मैं पूछ रहा हूँ अल्लाह तबारक व तआला को किसी नबी ने देखा है या नहीं? किसी नबी ने नहीं देखा, किसी नबी ने अल्लाह के रसूल ने नहीं देखा शबे मेराज में? अल्लाह के नबी ने भी शबे में कहीं नहीं, कोई नबी अल्लाह को नहीं देखा। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, कुरान की आयत ही पढ़ा कि जब हमने उनको बुलाया अपने पास तो वो मेरे दो हाथ की दूरी पे थे, फेस टू फेस थे। बिल्कुल दो हाथ की दूरी पे थे, जब हमारे बीच में दो हाथ की दूरी थी जब हमने बुलाया उनको अपने पास। कुरान की आयत है बाबू लल्ला, कुरान की आयत है अल्लाह के नबी तालीम सहाबा को दी कि अल्लाह के नबी की चेहरा अल्लाह के रसूल हदीस मुबारक है, अल्लाह के रसूल से सहाबा ने पूछा ये अल्लाह के रसूल आपने अल्लाह को देखा? तेरी मन मारा बातों से कम नहीं चलेगा, इतना जूता मारूंगा कुरान की आयत तेरी मन मारा बातों से कम नहीं चलेगा। जब हमने उनको बुलाया अपने पास तो मेरे दो हाथ की दूरी पे थे, अल्लाह के रसूल से इतना फासला था फेस टू फेस, तो अल्लाह के नबी की साहब को तालीम दिया कि अल्लाह के नबी के हाथ ऐसा लंबा था इतना बड़ा। सुन ला मुबन कर हदीस सुन, अल्लाह के रसूल से साहबा ने पूछा या रसूल आपने अल्लाह को देखा? तो फरमाया कि तुमने मुझे देखा ना, समझ लो अल्लाह को देख लिया। नाऊज बिल्लाह मिन ज़ालिक, तेरे कहने से मतलब कुरान के आयत पर मतलब अल्लाह के जैसा नबी, तो अल्लाह के रसूल की हदीस है जिसने मुझे देखा अल्लाह को देखा। तेरे कहने का मतलब अल्लाह अल्लाह जहन्नमी हदीस है, हदीस के मन जहन्नमी तुम खुद हो, अल्लाह को अल्लाह के दर्जे में नबी को बचा रखा है। एक बार बता तू तालीम कहा? इसीलिए मैं कह रहा हूँ बिल्कुल ये बड़ी बात का मुझे लगे जब हमने उनको अपने पास बुलाया। मैं कह रहा हूँ क्या करेगा जो अल्लाह के मकाम पे नबी को बुलाया, उनके लिए बता कुरान की आयत में क्या करेगा कि जब हमने उनको अपने पास बुलाया? कुरान जब कहता है मेरी बात सुन, कुरान कहता है लैसा कमिथ्लिही शय, अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं,
पहुंचा इखलास है अल्लाह के जैसा कौन है। तो अरे अब क्या बोला कि जो जो को देखा अल्लाह को देखी है वो तो हदीस है, हुजूर ने फरमाया जिसने मुझको देखा समझो अल्लाह को देखा। ये मंगलवार है, ये मंगलवार, ये मंगलवार घर की बात है, ये तेरी 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 घर की बात है। अच्छा सुन, ये तेरी घर की बात है, ये तेरी घर की बात मत बोल, तेरी घर की बात मत बोल। सुन सुन, अब आ गया, बौखला गया, देव का बंदर चढ़ गया तेरे सर, बौखला चढ़ गया। सुन, तू अगर ये हदीस ना हो, अगर ये हदीस ना हो तो मुझ पर अल्लाह की लानत हो, और ये हदीस हो तो तुझ पर अल्लाह की लानत। बिल्कुल तुम्हारे ऊपर लानत है, बिल्कुल तुम्हारे ऊपर लानत है। आमीन बोल, आमीन, आमीन बोल, आमीन। तुम्हारे ऊपर अल्लाह के कुरान पे मुझे आम, कुरान पे मुझे यकीन है, कुरान पे अमल है, अल्लाह के जैसा कोई नहीं, अल्लाह के जैसा कुरान पे तेरा कुतिया जैसा हंसने से कुछ नहीं होता, समझे? अबे गधे की तरह कुतिया जैसा, कुतिया जैसा हंसो मत, तेरे अंदर मैं कह रहा हूँ देवन के किस गंदगू में पड़ गया तू? अबे दारुलूम को मैं दारुलूम को मैं पेशाब भी नहीं करता, समझे? तो अच्छा, तो अहले हदीस है नहीं मेरे पास सुन, तो अहले हदीस है समझ गया। अबे हदीस, अगर हदीस को हदीस को मानने वाला, तो तामीन क्यों नहीं बोल रहा तू? मैंने कहा कुरान हदीस, कुरान हदीस से ये साबित ना हो कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है तो मुझ पर अल्लाह लाना तो या तुझ पर लाना, तामीन बोल। हाँ बिल्कुल, आमीन कह रहा हूँ। तू तो लाना तो अल्लाह की अपने सामने देखिए, कुरान से अल्लाह तबारक व तआला ने आयत उतारी है कि जब हमारे पास कुरान कहता है अल्लाह की आयत है, मेरे पास जमशीद कुरान की आयत सुन, अल्लाह की जैसा, अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। घर की छोड़, अपनी घर की छोड़, बेवकूफ अपनी घर की छोड़, सुन अपनी घर की छोड़, बता तू है कौन? तेरा आज का काम है क्या? आज की तारीख का? अब मैं मुस्लिम हूँ, मेरा आकाबिर, मेरा राहबर, मेरा रहनुमा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तू तो कुरान का इनकार कर दिया। मैं लैसा कमीशन सही बोल रहा हूँ, मैं कुरान के आगा रहा हूँ, तुम बात पता नहीं क्या करेगा कि जब हमने उनको अपने पास बुलाया तो यही तो मैं कह रहा हूँ क्या करेगा ये मन, तो मैं तो मिलानत भेजा हूँ, तूने झूठी बात झूठ बोला, फिर भी सुन लेना। जो मेरे को देखा हुआ अल्लाह को देख लिया, तफसीर अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं, तेरा घर की बात छोड़, सुन सुन जमशीद, तेरा घर की बात छोड़, तेरे घर की बात छोड़, समझे? तेरे घर वाली बात, अपनी घर वाली बात छोड़, कौन सी घर की बात? अपने मन, अपने मन वाली बात छोड़, मैं कुरान कह रहा हूँ, कुरान कहता है, मेरी आयत कम वक्त मेरी बात ये नहीं दे पाया, मैं कुरान पढ़ता हूँ, लैसा कमिसली शय, कि अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं, उसके जैसा कुछ भी नहीं है। मुंह बंद कर, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है। अच्छा तो मुंह तो बंद कर, अल्लाह के जैसा कोई नहीं है ना? कोई नहीं है, सही, ठीक है। कैसे बोल रहे नबी को जिन्हें देखा वो अल्लाह को देख लिया? हाँ तो इस हदीस का क्या करेगा? पागल कहीं का उल्लू के दुनिया को गुमराह मत बना, मैं कह रहा हूँ दुनिया को गुमराह मत बना। हदीस का क्या करेगा ये? समझे? अल्लाह की दुनिया को गुमराह मत बना, इसमें मुझे ये झूठी बात है, मनगढ़ंत बात है, मनगढ़ंत हदीस के नाम है, ये हदीस की बात है, मनगढ़ंत बात बोल रहे हो। इमाम बुखारी मनगढ़ंत हदीस लाए, इमाम बुखारी हदीस नहीं लाया है, वही बात। चल कुतिया जैसा, कुतिया जैसा मत था। चल एक काम कर, सुन, समझे? मैं कह रहा हूँ कुरान के मुताबिक, सुन, अपने अकीदे के मुताबिक एक हदीस मुझे दे दे जिसमें साहबा ने फरमाया हो कि अल्लाह के रसूल इल्म गैब नहीं जानते, या कुरान की एक आयत दे दे जिसमें अल्लाह ने फरमाया है नबी हमने तुम्हें इल्म गैब नहीं दिया। चल फटाफट पढ़ दे। मैं कह रहा हूँ नहीं का कोई दलील नहीं होता। अच्छा एक बात बता, तेरा बाप एक है या दो है? तेरा कितना है? मेरा तो अल्हम्दुलिल्लाह एक और नेक है, लेकिन बाप लग रहे हैं मुझे। तुम्हें इल्म गैब लग रहा है? एक देवबंदी लग रहा है क्या? हदीस लग रहा है, दोनों गए थे तेरे पास। तूने तूने तुम्हें वही आ रहा है तुम्हें? हाँ मुझे वही आ रहा है। मैं ये बता दूंगा तूने क्या खाना खाया, खाना खा लिया तूने? खाना खा लिया? क्या खाना खाया मैंने? क्या खाया बोलो? खाना खा लिया तूने? खाने में क्या क्या था बोल? पहले ये तो बता, तूने खाना खा लिया?
तो गोल खाने में क्या क्या था पहले बताया? मैं कह रहा हूँ मैं खाना खा रहे बाद तेरा फोन आया था। अच्छा, जिस टाइम मैं खाना खा रहा था उस टाइम तेरा फोन आया था। मैं खाना खाया हूँ, मैं कह रहा हूँ मेरे खाने में सब्जी क्या था बोल। नहीं, अगर मैं ये तुम पे अगर वही आती है, तुम पे अगर वही आती है बोल दे कि मेरे खाने में सब्जी क्या थी तो बता। सुन तो बात, तो सुन बात सुन। अगर मैं जवाब दे रहा हूँ, तुमने बताया मेरे पास वही आती, तुमने बोला भी, तुमने बता, तू बता तुमने अभी बोला तुमने अभी बोल, तुमसे मैंने पूछा, तुमसे मैंने पूछा तुम पे वही आती है? हाँ, मुझे वही आती है। अरे सुन 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 सुन, ये मैंने जर्जीश की तरह मत बौखला, जर्जीश जैसे भागा ना वैसे तू मत भाग। जर्जीश ये बता कि तूने खाने में क्या खाया? अगर मैं ये बता दूं तो तू अल्लाह तबारक ताला ने मुझे भी दिया है ना गैब, हर इंसान को दिया है गैब। इंसान को गैब नहीं दिया है, दिया है ना तूने यार, रोटी खाया होगा। जब नदी को मैंने बताया नदी को तू बता दे, तू बता दे मेरे खाने में। हाँ मैं बता दूंगा, रोटी खाया होगा, चावल खाया होगा। अबे मोमिन मोमिन खिक्की नहीं हंसते चूतिया, समझे? मोमिन खिक्की नहीं हंसा करते। अगर तू मोमिन है तो खिक्की नहीं हंसेगा। दलील पेश कर, दलील पेश। मोमिन खिक्की नहीं हंसते। दलील 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 पेश कर। दलील दलील चित्र को ढांक दूंगा, समझे? देना तो दलील एक भी तो तू। इंसान के दायरे, इंसान के दायरे में रहकर इंसान जैसा बात कर, समझे? जी जी बगा इसके इवन टाइम आगे पकाने का साले को आता ना जाता, अपने आप को मुकदमे मुहक्किक बना बैठा है। मुहक्किक तो हूँ, तेरे जैसे पुजारी नहीं हूँ, मेरे जैसे उम्मत की पुजारी नहीं हूँ। वाह बताओ, तेरे जैसे उम्मत की पुजारी नहीं हूँ भाई। हाँ जी बोलिए। इसने कुरान की आयत का इनकार किया कि नहीं? जी 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 इनकार किया पूरा। अच्छा, हदीस का बुरा नहीं है कि नहीं? जी जी मैं कह रहा हूँ, अबे कमीने, मैं कह रहा हूँ कुरान कहता है कि अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, ये क्यों कर रहा है? अबे तो यहाँ पे अल्लाह के रसूल ने ये थोड़ी फरमाया कि मैं भी खुदा हूँ, तो कुरान से इनकार कर रहे हैं। अल्लाह के मुनकर कुरान है, तू मुनकर कुरान है। कैसे? हाँ, तुम्हें कुरान पर अमल नहीं है। कैसे? कुरान कहता है ऐसे कमी तरी सही कि अल्लाह के जैसा कुछ भी नहीं हो सकता है। तो मैंने कब बोला कि अल्लाह के जैसा कोई है? तो तूने अभी क्या बताया? अल्लाह के नबी ने कहा कि जो मेरे को देखा अल्लाह को देख लिया। अच्छा, तो इमाम बुखारी को बोल। इमाम बुखारी क्या बोलो? इमाम बुखारी का नहीं करता है ना, इमाम बुखारी की बात करते। ये कमर के पुजारी, पुजारी अहमद रजा मुशरिक के पुजारी, ऐसे बात इब्ने कसीर ने लिखा है। अहमद रजा ने इब्ने कसीर ने लिखा है कि अल्लाह के रसूल ने अल्लाह को देखा है। आप इब्ने कसीर पर फतवा लगा, चल कौन सी किताब में? अल विदाया वल निहाया। ये किसी किताब है? इब्ने कसीर की। हाँ, इब्ने कसीर अलविदाया वल निहाया। हाँ, अलविदाया वल निहाया इब्ने कसीर किताब है। हाँ, तो गारंटी दे सकते हैं इब्ने कसीर की जो किताब में हर चीज परफेक्ट है? तो इब्ने कसीर की अगर किताब में हर चीज परफेक्ट नहीं है तो फिर काफिर हुआ ना वो, क्यों मुहक्किक है? हाँ, तुम्हारा सबसे बड़ा अल्लामा है वो हाफिज इब्ने कसीर। वो मुहक्किक है, वो मुज्तहिद थे, मुहक्किक थे, मुजद्दिद मुज्तहिद है। मैं कह रहा हूँ अगर मुज्तहिद से एग्रेसिव भी हो उसको एक अजर मिलता है, तुम्हें पता है? मिलता है, क्या मिलता है उसको? एक अजर मिलता है। अच्छा, तो इमाम बुखारी का भी तूने इनकार कर दिया, अब इब्ने कसीर का भी इनकार कर दिया। चलो एक बात, मैं किसी सुन सुन किसी मुहद्दिस का इनकार नहीं किया। तू कुरान के मुनकिर हो, तू मोमिन नहीं है। मैंने तो कुरान की आयत दी कि जो तूने बताया अल्लाह का जैसा, तूने बताया तूने अभी बताया अल्लाह के नबी के जिसने देखा वो अल्लाह को देख लिया। हाँ, तो मैंने थोड़ी बताया, तो इमाम बुखारी ने हदीस लाई। ये तूने बताया, ये तूने बताया, इमाम बुखारी हदीस लाई। अरे ये तूने बताया। हाँ, तो मैं तो हदीस पढ़ रहा था ना। नहीं, हदीस नहीं है। अगर ये हदीस सुन, अगर ये हदीस तेरे अलविदा वाली मैं कह रहा हूँ, जो इलम है इलम दुनिया को दे, सही है?
झूठी मत दुनिया में मत फैला, बहुत कर आने वाले तेरा बाप है, तू है कबर की पुजारी। अच्छा सुन सुन एक बात बता, सुन सुन एक बात बता कि जब तू पैदा हुआ था, जब तू पैदा हुआ था तो तेरी अम्मी को तेरे अब्बा ने चूमा था कि नहीं चूमा था? तो तेरा अब्बा मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ? तेरे मंत्री की बात तो तेरा बाप मुशरिक हुआ कि नहीं हुआ? तो मुशरिक की औलाद हुआ कि नहीं हुआ ये बता। मुर्दे से मांगने वाले कबर के पुजारी, मुर्दे से तो सुन, मुर्दे से मांगने वाले, सुन मुर्दे से मांगने वाले पे हुक्म क्या लगेगा ये बता। तू मुशरिक है तो? अच्छा तो अल्लाह से मांगने वाले मुशरिक है? तो अल्लाह के रसूल भी गैरुल्लाह से मांगी, मौजिबुल कबीर की हदीस है, बुखारी इमाम बुखारी इस हदीस को लाए हैं। अल्लाह के नबी गाय से, गाय को किससे मांगा अल्लाह के, किस मुर्दे से मांगा था? अल्लाह अकबर, अल्लाह रसूल हदीस, सुन अल्लाह के रसूल, अल्लाह के नबी किस मुर्दे से मांगा था? मौजिबुल कबीर की हदीस है, सुन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने कब्र खुदवाई, हजरत अली इब्ने तालिब की वालिदा का इंतकाल हुआ, अल्लाह के रसूल ने कब्र मुबारक खुदवाई, उसमें लेटे फिर बाहर निकले, फिर कब्र में मदफन किया, कब्र में दबाया, उसके बाद अल्लाह के रसूल ने दुआ किया कि ऐ अल्लाह मैं तेरे अपनी वालिदा इब्ने असद के ताल्लुक से दुआ करता हूँ, तुझे मेरा वसीला और मेरे से पहले जितने अंबिया गुजरे सबका वसीला, मेरी वालिदा की कब्र में नूर की बारिश अता फरमा। अब बता वसीला लिया ना, क्या क्या वसीला लिया था किसने? नबी से मना कर रहे, हाँ मौजिबुल कबीर से इमाम बुखारी से को लाए। पुजारी हो, अहमद रजा के पुजारी हो, उसी की बात को तू मन गलत बातों से गुमराह कर रहा है। तू मुझे से मदद मांगने पे शिर्क बोला तो ये हदीस तो हुजूर पे चली गई, तेरा ये कॉल तो हुजूर पे लग गया, ये पगला गया, ये अल्लाह के नबी ने, अल्लाह के नबी ने मुर्दे से मांगा ही नहीं है। अच्छा ये हदीस का क्या करेगा फिर? मौजूदुल कबीर की हदीस है, इमाम बुखारी से। मैं कह रहा हूँ अल्लाह के नबी किसी मुर्दे के पास बोला नहीं जाए मुझे बेटा दे दे, मुझे खाना दे दे, मुझे रोजी दे दे, किसी मुर्दे से कतल नहीं, कतल नहीं बोला है। तू ऐसे बोलने वाला पुजारी जो, अच्छा सुन सुन ये बता कि तूने अपने दोस्त से कभी पैसा मांगा है? तेरा दोस्त जिंदा है उससे तूने कभी पैसा मांगा है? मांगा हूँ। हाँ तो ये बता कि जिंदों से पैसा मांग सकते हैं, मुर्दों से नहीं मांग सकते, ऐसा कहाँ लिखा है, कौन सी हदीस में? चला हदीस पढ़ फटाफट, तू बात से घूमा मत। जो काम अल्लाह ने और रसूल ने नहीं बताया वो तूने अपने तरफ से गढ़ लिया कि जिंदों से मदद मांगना जायज है और मुर्दों से वसीला या मदद मांगना शिर्क है, बिदअत है, हराम है, तो ये उसूल किसने बनाया? ये उसूल अल्लाह के नबी की है, अल्लाह के नबी जो है बता, अल्लाह के नबी की मौजूदगी में अल्लाह के नबी को वसीला लिया करते थे सहाबा इकराम लोग। जो मेरे नबी की वसीला है, मेरे मोहम्मद सल्लम की वसीला है, मुझे ये काम कर दे, ये काम करवा दे, अल्लाह से मांगते थे। अच्छा। अल्लाह के नबी की वसीले से अल्लाह से मांगते थे। अच्छा तो अल्लाह के रसूल अब दुनिया में मौजूद है या दुनिया से, मतलब अल्लाह के रसूल अपनी कब्र में जिंदा है या माजल्ला मरे हुए हैं? अल्लाह के रसूल जो है, अल्लाह के रसूल को मौत हुआ है, ठीक है, तो कब्र में जिंदा है कि नहीं? अल्लाह के नबी आलम बरजख में है, नहीं रखते हो अल्लाह के नबी किस हाल में है, कैसे है, इसका शऊर तुम्हें नहीं है। ये कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है, कहाँ लिखा है? कुरान की आयत में मालूम नहीं है? पढ़ो वाला की ला का शऊर, इसका माने क्या होता है बता, पढ़ो आप, पढ़ ना, आज पढ़ के पढ़ो, पढ़ो ना, किसके वाला की लाता शऊर, इसके माने क्या होता है वो? नहीं नहीं तुम्हें इसका शऊर नहीं, तो किसके बारे में ये, किसके बारे में ये?
जो दुनिया में रुखसत हो गए। अरे तो किसके बाद सुन सुन, अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक है कि मैं अपनी कब्र मुबारक में जिंदा हूँ और रिज़्क दिया जाता हूँ, तुम्हारा नामा अमाल मुझ पर पेश किया जाता है पीर के दिन, और जिसका नामा और जिसका अमाल ठीक होता है तो मैं खुश होता हूँ, और जिसका अमाल ठीक नहीं होता तो मैं अल्लाह तबारक व तआला से दुआ करता हूँ उसके लिए। इस हदीस का क्या करेगा? सुन सुन, अगर अपनी कब्र में हुजूर जिंदा है, हुजूर अपनी कब्र में जिंदा है तो हुजूर से वसीला ले सकते हैं? अल्लाह के नबी कब्र में कैसे जिंदा है वो कैसे नहीं है इसको शऊर नहीं है। नहीं मैं हदीस दे देता हूँ, सुन अब हदीस सुन। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अबे हदीस सुन हदीस हदीस सुन, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शबे मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे, लाउन काटते जिस व्यक्ति से बात कर रहे हैं उन्होंने लीजिए माशाल्लाह बहुत अच्छी बात गुप्त कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शबे मेराज में तशरीफ ले जा रहे थे तो आपने फरमाया कि मैंने देखा मूसा अलैहिस्सलाम अपनी कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं। अब ये भी बुखारी की भी है, मुस्लिम की भी है, ये हदीस मुस्लिम की भी है। जब मूसा अलैहिस्सलाम खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं तो अल्लाह के रसूल मूसा अलैहिस्सलाम को देख रहे हैं कब्र में खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं, तो हमारे नबी का मर्तबा आला तो सबसे ऊंचा बड़ा है। हाँ बिल्कुल बेशक बेशक। तो गधे अच्छा ये बता कि तू तो अहमद रजा को नबी से ज्यादा ऊंचा बना रखा है गधे। ये देख अब देख कहाँ भागा, देख देख कहाँ भागा, समझे बात नहीं हो। आखिरी में सुन अहमद रजा गाड़ी जा रही है काटने के लिए, अहमद रजा के तलवार काटने वाले समझे, अहमद रजा के पुजारी गोबर सुनाते ही देख। सुन तुम लोग आखिरी में घूम फिर अपने आप को ब्रेली कहते हो, अपने रजवी कहते हो, अहमद रजा के गुल्ला जूता काटने वाले नमाज पढ़े थे। हाँ से यकीन है। हाँ तो आप मूसा अलैहिस्सलाम अगर खड़े होकर नमाज पढ़े थे तो जिंदा है ना? हाँ यकीन है। हाँ तो अब एक बात बता, तमाम अंबिया ने जो हुजूर के पीछे मस्जिद अक्सा में नमाज पढ़ी तो तमाम अंबिया जिंदा थे ना? मैं कह रहा हूँ अंबिया के राम तमाम अंबिया जिंदा के तहत तमाम तमाम सालेन तमाम अंबिया वो आलम बरज़ख में जिंदा है किस किस हालत में है जब जिंदा है तो इसका शऊर तुम्हें नहीं है। अब एक अब सुनिए बात बता कि जब आलम बरज़ख में जिंदा है तो अब मुझे एक बात बताओ साले आदि जाहिल कोवर खाने वाले कि जब वो जिंदा है जाहिल आगे वकीला तो अपने जो फेस टू फेस होते उससे उसे ले जाएगा हराम को। अबे सुन सुन, अबे बेदाल के मुंह तक चुका ब्राह्मण, ये बता जब तू जिंदे से वसीला लेगा तो हम भी तो जिंदे से ले रहे हैं तेरे सामने है। हाँ बिल्कुल रेडी करती है जी, चल बैठ तेरे सामने। हेलो तुझे दिखाई दे रहा है? अबे तो उनके कब्र मुबारक के पास जब हम खड़े हैं तो अल्लाह के रसूल कमीने कुत्ते आगे कमीने कुत्ते सुअर खंजीर सामने वाले से उसे ले जा हराम खोर। अब ये कुत्ता शैतान बोखला गया शैतान, बोखला नहीं गया कभी कमीने बोला नहीं गया, मैं बहुत आवाज में हूँ। सामने वाले अल्लाह के नबी जब सामने लिया करते तुम्हारे सामने नहीं हराम खो। अबे तेरे कमीने, अबे कमीने कुत्ते मेरी बात सुन,
तुम्हारा सामने वाला से लिया जाता है। हाँ तो जवाब सुन ले, जवाब सुन ले, जो सुन जो सामने है उससे मदद नहीं लिया जा सकता, जो सामने नहीं है उससे मदद नहीं लिया जा सकता। अब मुझे एक बात बता कि तुझे पैसे की जरूरत है 10,000, 15,000, 20,000, तू मेरे को फोन किया, मैं बैठा हूँ अमेरिका में, हाँ तू मेरे को फोन किया भाई 20,000 की जरूरत है, मैं तेरे अकाउंट में वहीं से अमेरिका से बैठे बैठे डाल दिया, तेरी मदद हुई कि नहीं हुई जाहिल? अरे तेरे नंबर तुम्हारा नाम अबे जाहिल कुत्ते जैसा मत हट, अबे कुत्ते जैसा मत हट, मैं कह रहा अरे तुम्हारे अबे कुत्ते अबे दुनिया के किसी कोने में तेरे नंबर में रख सकता हूँ, तू नबी के नंबर रखा रखा क्या कमीने कुत्ते? नबी करीम सुन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नंबर मिला, अबे कमीने कबर के पुजारी अहमद रजा जूता टाकने वाले कबर के पुजारी कमीने कुत्ते सुन, नबी का नंबर कमीने कुत्ते, अल्लाह का नंबर रखा है हराम को, अल्लाह के नबी का नंबर गाली दे रहा है सिर्फ बस कुत्ते हराम खोर है मत कर, कमीने कमीने को सुधार दूंगा मैं। अच्छा नबी ने चलो तेरे नबी का नंबर है तेरे पास? दूध सलाम इसको भी कोई पीछे से हिला रहा है इसको, यही ना मेरे को कौन बात आ गया मेरे को कौन बात आ गया कमी ने? अच्छा अपना अबे कुत्ते अपना अकीदा दुरुस्त कर ले, अपना अकीदा उसके पास कोई दलील नहीं होती तो गाली क्यों बकने लगता है? गाली बकने गाली खाने के काबिल है? दलील मांग रहा तो गाली 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 खाने का अबे कुत्ते तो गाली खाने का काबिल है। अच्छा एक बात बता सुन सुन, अच्छा सुन सुन सुन, हेलो हेलो आप लिखता है मैं कुत्ते सुअर से कमतर हूँ तो तू क्या हुआ? कुत्ते कुत्ते है तो तू एक बात बता मुझे दलील के बिना गाली क्यों दे? मैं तेरे से एक दलील मांग रहा हूँ कि एक हदीस पढ़ दे, कुरान की आयत पढ़ दे, तू गाली दे रहा है। गाली खाने का तो काबिल है, कहाँ गाली खाने का काबिल? मैंने तुझे मूसा अलैहि सलाम को जिंदा साबित हुआ गाली खाने का, मैं कह रहा हूँ साबित किया, मैं कह रहा हूँ सामने वाले से उसे ले लिया कर। हाँ तो एक बात बता, जो सामने नहीं है अमेरिका में बैठा है, अमेरिका में मेरी मदद कर बात हो रही है फोन से, तेरे बात कर रहा हूँ अभी, जैसे तू अमेरिका समझ ले मैं अभी अमेरिका तो अमेरिका समझ लिया, जैसे मैं बात कर रहा हूँ तेरे से, मैं पर मुझे मिला है, चल बात कर रहा हूँ। चल एक बात बता कि पहले पहले फोन नहीं था, पहले चिट्ठी थी ना? हाँ चिट्ठी थी, तो चिट्ठी जाती थी कि मैं बहुत परेशान हूँ मेरी मदद करो मुझे 1,00,000 रुपए की जरूरत है, तो चिट्ठी वहाँ जाती थी तो डाके के जरिए मनी ऑर्डर आ जाता था। बुनियादी बात नहीं, सुन ना सुन, हम जब पढ़ते हैं, हम जब दुरूद सलाम पढ़ते हैं तो फरिश्ते हुजूर तक पहुँचाते कि नहीं पहुँचाते ये पता? फरिश्ते फरिश्ते पहुँचाते हैं, फरिश्ते फरिश्ते पहुँचाते हैं क्या? हाँ सुन सुन, मुंह बंद कर मुंह बंद कर, तो फरिश्ते कैसे पहुँचाते हैं हुजूर? हमारा सुन करके हुजूर को कैसे पहुँचाते हैं? हुजूर सुन रहे कि नहीं सुन रहे? वो तुम्हें मैं बार बार कह रहा हूँ तुम्हें शऊर नहीं है, अल्लाह को नबी को कैसे पहुँचाते हैं तुम्हें शऊर नहीं है तुम? अच्छा सुन, अगर फरिश्ते दुरूद सलाम सुना सकते हैं अल्लाह के रसूल को पहुंचा सकते हैं तो हमारी फरियाद नहीं पहुंचा सकते? अल्लाह का शुक्र है अल्लाह का शुक्र है लाफजी कुत्ते कुत्तों में नहीं पैदा किया, देवबंदी साले शियाव कादियानियों के बीच हमें पैदा नहीं किया, अल्लाह का शुक्र है हम सुन्नी हनफी बरेलवी है, हम सीना चौड़ा करके कह रहे हैं पुजारी है पुजारी नाले में जाके मुंह धो के वाले कादियानी के पीछे जूता चट्टू, अब जूता चट्टू। देखिए सामईन, मैंने उससे कुरान से दलील मांगा इसने नहीं दिया, मैंने हदीस से दलील मांगा इसने नहीं दिया, एंड में क्या ये गाली गलत पे आ गया, तो ऐसे अहले हदीसों से अहले ऐसे खान से आ गए बताइए। अबे तो गाल अबे तो गाली का सही है चुप क्या, हम बात आगे सुनी बताओ, बोले हुजूर ये नहीं जानते हो।
जूता निकालिए उनको ठोकिए। मेरा जूता भी खराब हो जाएगा। अच्छा मेरा जूता भी खराब हो जाएगा। अबे जूता टांगने वाले कबर के पुजारी, मेरा जूता भी खराब हो जाएगा। अरे तो कब सारा कर लिए।